क्लास फोर्थ स्टूडेंट, अब आपको करने हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है, अपने भावों अथवा विचारों को व्यक्त में, देखो वा आधा आया है, फिर यह है का आधा क है, तो करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह भाषा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। प्रश्न घ, लिपि की परिभाषा लिखो। लिपि की परिभाषा क्या है? ग, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों, चिन्हों में ह के नीचे हलंत है, को लिपि कहते हैं। लिपि में दोनों में आपको छोटी की मात्रा लगानी है, ध्यान रखना है, बच्चे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। घ, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें सिखाता है अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना और लिखना। तो उत्तर क्या लिखेंगे अब हम? ग, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना कोमा पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। जल्दी से इनको अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में कर लीजिए और घर से बाहर मत जाइए, घर में ही रहिए अंदर, क्योंकि अभी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।